चलिए देखते हैं जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेहद शानदार सवाल, और सवाल यहां से साफ साफ साउंड कर रहा है कि न्यूटन्स फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल है। तो चलिए जल्दी से न्यूटन्स की इक्वेशन बना लेते हैं। तो न्यूटन्स की इक्वेशन यहां से बन जाएगी भाई, पी के में बनेगी तो बनेगी पी के माइनस पी के माइनस वन माइनस पी के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी पी के बराबर हो जाएगा पी के माइनस वन प्लस पी के माइनस टू। पी फोर पी फाइव पी सिक्स की बातें करी हुई हैं, तो अगर मैं पी सिक्स लूं तो वो पी फाइव और पी फोर के बराबर आ जाएगा, पी फाइव लूं तो पी फोर और पी थ्री के बराबर आ जाएगा, पी फोर लूं तो पी थ्री प्लस पी टू के बराबर आ जाएगा, पी थ्री लूं तो पी टू प्लस पी वन के बराबर आ जाएगा, पी अब समझ गए होंगे ना आप। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है। देखिए P5, P3 प्लस P4 के बराबर है, पहली वाली तो ट्रू है, जो ट्रू है वो नहीं चाहिए, जो नॉट ट्रू है वो सही होगी हमारे लिए। क्या P5 11 होगा? देखिए अब वो हमसे एग्जैक्टली P5 जानना चाह रहा, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। आप मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, आप पहले P1 जानिए, P1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ रूट्स कितना है आपका भाई, माइनस बी बाई ए होता है, तो सम ऑफ रूट्स आपका हो जाएगा वन। अच्छा आप P2 और जान लीजिए, अगर आप P1 और P2 जान गए तो आप P3 जान गए, P2 P3 P4 जान गए, फिर तो आप सारे के सारे जान गए, बस P1 के साथ साथ P2 और जान लो, तो P2 कितना हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, सम कितना है वन का स्क्वायर वन माइनस टू टाइम्स प्रोडक्ट कितना है माइनस वन, तो किसके बराबर आ जाएगा थ्री के, तो पी वन वन आ गया और पी टू आपका थ्री आ गया। अगर वन और थ्री आ गए ना तब आपका काम बड़ा आसान हो गया, P1 और P2 आ गए तो P3 जो है वो आपका 4 के बराबर आ गया, अब P2 और P3 7 के बराबर आ गया, P5 P5 हो जाएगा P4 और P3 11 के बराबर आ गया, P6 आ जाएगा P5 प्लस P4 ये 11 7 18 के बराबर आ गया, तो इस तरीके से निकलता चला जा रहा है। अब देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है, क्या P5 11 के बराबर होगा, हाँ भाई P5 तो 11 के बराबर है, ये सही है, जो सही है वो गलत है, P1 P2 P3 P4 P5 सबका सम 26 आ रहा है, तो P1 P2 तो हमारे पास 1 और 3 है, तो P2 हमारे पास 3 है और P1 हमारे पास 1 है, तो 1 3 4 4 8 7 15 11 15 11 26, तो कहां तक पूछा है P5 तक, 26 आ रहा है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत होगा, तो जो गलत है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट तो देख ले क्या है, क्या P5 यानी कि 11 बराबर होगा प्रोडक्ट के, अरे भाई प्राइम नंबर है क्या कर रहे हो, लेकिन ठीक है P2 into P3, क्या P2 into P3 कितना हो रहा है 12, और 11 12 के बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो उम्मीद छोटे छोटे मसाले जो है वो ऐड कर सकता है, तो उम्मीद करता हूँ न्यूटन्स फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आया होगा।